हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हर वीडियो आप तक पहुंचे। आज हम बनाएंगे बिहारी स्टाइल में फिश करी। 500 ग्राम मछली लिए हैं, प्यासी मछली। अब इसमें हल्दी लगाएंगे एक छोटा चम्मच, एक चौथाई चम्मच नमक मिक्स करेंगे हल्दी नमक को। अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है हल्दी नमक को। मिक्स हो चुका है, अब तलेंगे। कढ़ाई गरम हो चुका है, अब तेल डाल देंगे। तेल में एक चुटकी नमक डाल देंगे ताकि तेल उड़ेगा नहीं मछली तलने के समय। तेल को गरम कर लेंगे तेज आंच पर। तेल से धुआं आने लगा है, तेल अच्छी तरह से गरम हो गया है। अब मछली तलेंगे। ढक ढक कर मछली को तलेंगे, तेज आंच पर तलना है। ब्राउन हो चुका है, हम निकाल लेंगे। इसी तरह सारे मछली ब्राउन करके निकाल लेंगे। सारे मछली के पीस हम तल के निकाल लिए हैं। बचे हुए तेल में हम तड़का लगाएंगे। 2 सूखी मिर्च, आधा छोटा चम्मच मेथी दाना, आप चाहें तो सरसों भी तड़के के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 बड़ा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, धीमा आंच कर लिए हैं। यहीं पर 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच हल्दी पाउडर डाल देंगे। तेल में कश्मीरी लाल मिर्च और हल्दी डाल देने से कलर अच्छा आता है। तीस सेकेंड हो चुका है। मसाले के लिए 1 बड़ा चम्मच सरसों पीस लिए हैं, आप चाहें तो आधा छोटा चम्मच सरसों पाउडर डाल सकते हैं। इसमें 2 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच जीरा पाउडर, मसाला इसे मिला देंगे। मसाला डाल देंगे इसमें। मसाले को अच्छे से भूनना है।
दो मिनट हो चुका है, एक टमाटर का पेस्ट डाल देंगे अब। स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे, अच्छे से भूनेंगे। टोटल मसाला भूनने में 10 मिनट लगा है मीडियम आंच में। देखिए मसाला अच्छी तरह से भून गया है, तेल बाहर आ गया है मसाले से। यहीं पर एक गिलास गुनगुना पानी डाल देंगे। अच्छे से चला देंगे मसाले को। अब इसको ढककर उबाल आने देंगे। उबाल अब आ गया है, इसमें मछली का पीस डाल देंगे। ढक कर धीमे आंच में 5 मिनट तक पका लेंगे। 5 मिनट हो गया है, धनिया पत्ती डालकर गैस बंद कर देंगे। ढककर 5 मिनट बाद इसको सर्व करेंगे। अब देखते हैं मछली कैसे बनी है। देखिए मछली कितनी अच्छी बनी हुई है, कितना अच्छा रंग आया है इसका। अब इसको परोस कर दिखाते हैं। हमारी रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।